कोरोना ने माता पिता को छीना। इंदौर में 56 बच्चों ने माता पिता दोनों और 523 बच्चों ने किसी एक को खोया। अब पालक अफसरों ने भी हाथ खींचे। नमस्कार, मैं हूं अंजना द खबरदार न्यूज से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर से। सदी की सबसे बड़ी आपदा कोरोना में अपने माता पिता को खो चुके बच्चे अब मदद की उम्मीद खोते जा रहे हैं। इंदौर जिले में 56 बच्चों ने माता पिता व 523 बच्चों ने किसी एक को खोया था। उस वक्त हर बच्चे के लिए दो पालक अफसर भी नियुक्त किए गए थे। इनमें से 70% का तबादला हो गया है। अब किसी बच्चे को 8 माह से पेंशन नहीं मिली है तो किसी के मकान पर परिजन ने कब्जा कर लिया है, इंश्योरेंस क्लेम की राशि हड़प ली। नतीजा, कुछ बच्चे पढ़ाई छोड़कर छोटे मोटे काम करने को विवश हो गए हैं। किस्त नहीं भरी तो मकान का आवंटन निरस्त हुआ। गनीमत के अफसरों ने घर खाली नहीं कराया। माता पिता यानी ममता जितेंद्र के निधन के बाद प्रथम वर्मा और दो बहन मुश्किल से गुजर कर रहे हैं। पेंशन 21 साल या ग्रेजुएशन तक देने का नियम है। मजबूरी में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। बड़े पापा एवं बुआ से थोड़ा राशन मिल जाता है। किस्त नहीं भरने से आईडीए से मकान का आवंटन निरस्त हो गया है। मानवता के नाते घर से बेदखल नहीं किया गया है। 3 बच्चों को 8 महीने से पेंशन ही नहीं मिली। हर्षिता उम्र 9 वर्ष, काजल उम्र 18 वर्ष और प्रणय उम्र 10 वर्ष पापा मम्मी यानी प्रवीण नेहा के निधन के बाद चाचा शेखर पवार के साथ रहते हैं। चाची अनीता ने बताया तीनों बच्चों के खातों में 8 महीने से पेंशन के 5,000 नहीं आ रहे हैं, फीस तक नहीं भर पा रहे हैं। दादी ने चाचा को दिए इंश्योरेंस के 30 लाख रुपए। खुशी उम्र 16 वर्ष और अभिषेक उम्र 13 वर्ष, कुशवाहा पापा मम्मी यानी राजेंद्र व भानुबाई के निधन के बाद से अकेले रहते हैं। पापा के इंश्योरेंस क्लेम के 40 लाख दादी ने रख लिए। बहुत गुहार करने पर सिर्फ 10 लाख दिए। अब वे धमकाते हैं, बड़े पापा ने ही मकान पर कब्जा कर लिया। अजीम उम्र 7 वर्ष और उवेश उम्र 9 वर्ष अब्बा अम्मी यानी सादिक खान व मेहरा बी के निधन के बाद नाना के यहाँ रह रहे हैं। नाना अब्दुल हनीफ खान ने बताया उनके मकान पर बड़े अब्बा इकबाल ने कब्जा कर लिया है। काफी कोशिश के बाद भी नहीं छोड़ रहे, हर संभव मदद कर रहे हैं। योजना में मदद भी जारी, बच्चों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। पालक अधिकारियों ने पूरा साथ दिया, अभी भी मदद कर रहे हैं। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।